दोस्तों, न्यू 2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट के फेसलिफ्ट मॉडल की लॉन्चिंग की डिटेल आ चुकी है। कंपनी न्यू स्विफ्ट के फेसलिफ्ट मॉडल को नेक्स्ट मंथ इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, न्यू स्विफ्ट का फेसलिफ्ट मॉडल कुछ मिड लाइफ अपडेट के साथ मार्केट के अंदर आने के लिए तैयार है, जिसको एक फ्रेश लुक मिली है कंपनी के द्वारा, जिसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो पहले ही लॉन्च कर दिया गया था। अब कंपनी इसको नेक्स्ट मंथ इंडिया के अंदर भी लॉन्च करने वाली है। जो गाड़ी का नोटिसेबल चेंज होने वाला है वो इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के अंदर होने वाला है। दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो अभी गाड़ी के अंदर आपको 1.2 लीटर फोर सिलेंडर K12M इंजन देखने को मिलता है, जो 83 BHP की पावर और 113 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, अब गाड़ी के अंदर आपको न्यू K12 एंड ड्यूल जेट यूनिट मिलने वाली है, जिसकी हेल्प से गाड़ी के अंदर अब आपको 90 हॉर्स पावर मिलने वाली है। जो गाड़ी का टॉर्क है वो गाड़ी का टॉर्क 113 Nm सेम रहने वाला है। दोस्तों, यह इंजन आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ मिलने वाला है, जिसकी हेल्प से गाड़ी अब मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी निकाल देगी। गाड़ी के अंदर आपको पहले के जैसे 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों, गाड़ी के कुछ एक्सटीरियर अपडेट की बात करें तो दोस्तों, गाड़ी को रिसेंटली ही टेस्टिंग के दौरान स्पाई किया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कुछ माइनर चेंज ही गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसे हमें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखने को मिले थे। फ्रंट में कुछ चेंज बस आपको गाड़ी की ग्रिल के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जो इसको एक फ्रेश लुक प्रदान करती है। ग्रिल के सेंटर में आपको एक हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप देखने को मिलने वाली है, जो ग्रिल को दो भागों में डिवाइड कर देती है। दोस्तों, इसके अलावा गाड़ी के एक्सटीरियर के अंदर आपको कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलने वाला। वैसे जो गाड़ी की पूरी डिटेल्स है वो हमें इसके रिवील्ड होने के बाद ही पता चलेगी। ट्विक्ड फ्रेश ग्रिल डिजाइन मिलने वाला है गाड़ी के अंदर आपको। अब दोस्तों, गाड़ी के इंटीरियर अपडेट की अगर बात करें तो गाड़ी के इंटीरियर के अंदर भी आपको लिटिल बिट चेंज देखने को मिलने वाला है, लाइक न्यू फैब्रिक अपोल्स्ट्री डिजाइन। इसके अलावा भी कोई खास चेंज नहीं दिया गया है गाड़ी के अंदर। गाड़ी का टॉप वर्जन के अंदर आपको ऑटोमेटिक LED हेडलाइट, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, न्यू 16-inch ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स, ए रियर कैमरा, 7-inch स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले, कीलेस एंट्री जैसे भरपूर फीचर्स गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। इन सब फीचर्स के अलावा कोई मेजर चेंज नहीं दिया गया है गाड़ी के अंदर। अब दोस्तों, लास्ट और खास बात इसके प्राइस और राइवल्स की बात करें तो दोस्तों, रिसेंटली ही मारुति न्यू स्विफ्ट डिजायर के फेसलिफ्ट मॉडल को अपडेट किया गया था, जिसके अंदर आपको इसके इंजन के साथ कुछ कॉस्मेटिक चेंज देखने को मिले थे। तो कंपनी ने न्यू स्विफ्ट डिजायर के प्राइस के अंदर 6,000 टू 22,000 तक का डिफरेंस किया था एज पर वेरियंट। एक्सपेक्ट सिमिलर हाइक फॉर द स्विफ्ट। दोस्तों, करंट मॉडल कार का जो प्राइस है 5.19 to 8.02 lakhs एक्सोरूम प्राइस है। दोस्तों, एक डीलर सोर्स से पता चला है न्यू स्विफ्ट के फेसलिफ्ट मॉडल का जो प्राइस है वो 15 to 20,000 तक इंक्रीज किया जाएगा। दोस्तों, मार्केट के अंदर गाड़ी का लॉन्च होने के बाद सीधा कंपटीशन फोर्ड फिगो, जिसका प्राइस 5.64 to 7.09 lakh एक्सोरूम प्राइस है, और हुंडई ग्रैंड आइट एंड न्योज जैसी गाड़ियों के साथ होने वाला है। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।